जो आपने बोला कि माइंडफुल कंजम्पशन अगेंस्ट माइंडलेस यूटिलाइजेशन, ये एक इंडिविजुअल सिटीजन या कंपनी या गांव या शहर या कोई कम्युनिटी, उन तक इसको एक्शन में कन्वर्ट करने का कोई प्रोग्राम अभी मुझे दिख नहीं रहा है. मैंने अगर दिखता तो हम भी उसके अंदर होते, बिकॉज एज मीडिया हमें रहना चाहिए उसके अंदर. लेकिन एक्शनेबल अगर ऐसा कुछ आपका प्रोग्राम होगा. अभी नीति आयोग ने एक 75 पॉइंट बनाए हैं और उन्होंने जिसको कहते हैं कंजम्पशन पैटर्न में अपने बिहेवियरल चेंज में हम कौन सी छोटी छोटी आदतें 75 कर सकते हैं, वो नीति आयोग ने एक पेपर सर्कुलेट किया है. अलग अलग मिनिस्ट्रीज के माध्यम से भारत सरकार में भी एक पूरी प्लानिंग इसके लिए तैयार की जा रही है और प्रधानमंत्री जी ने भी 5 जून को वर्ल्ड लीडर्स को कॉल किया था और स्कॉप में भी यूएनईपी की जो सेक्रेटरी जनरल है एंगर इंडरसन, यूएनडीपी के जो लोग हैं, यूएनएफसीसी के जो लोग हैं, उन्होंने भी इंडियन पवेलियन में आकर के इसको शुरू किया था. हम अपनी छोटी सी शुरुआत के साथ जो प्रधानमंत्री जी का जो लाइफ का मिशन है, चाहे अपने वाटर इलेक्ट्रिसिटी के पर्सनल कंजम्पशन के यूज के साथ लेकर के हम ज्यादा से ज्यादा बिहेवियरल पैटर्न को चेंज करें, इसको लेकर एक पूरा एक्शन प्रोग्राम नीति आयोग ने तैयार किया और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट के द्वारा हम उसका एक अगले साल पूरा कैंपेन के रूप में लॉन्च करने वाले. और हम चाहते हैं कि मीडिया, यूथ और देश में सस्टेनेबल कंजम्पशन की जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसको बढ़ावा देने वाले सब लोग इन सारी बिहेवियरल प्रैक्टिस में, जो 75 हम लोगों ने इस समय एक्शन प्रोग्राम निकाले हैं उसमें और भी ज्यादा हो सकते हैं, उस कंट्रीब्यूशन के लिए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाने वाले. इसमें शायद एकेडमिक्स में भी आपको उसको लेके आना सबके साथ, इसमें एकेडमिक से लेकर पंचायती राज से लेकर सब लोगों को. भारत सरकार का यह भी मानना है कि फ्यूचर जो एनवायरमेंट के कंजम्पशन के लिए सर्कुलर इकोनॉमी भी फ्यूचर है, क्योंकि रीयूज, रीसाइकिल एंड रीप्रोड्यूस, अदरवाइज आप धरती से लेते जाएंगे और रीयूज और रीसाइकिल नहीं करेंगे. और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट ने भी अभी वेस्ट रबड़ यूज के लिए, ई वेस्ट के लिए नए नियम निकाले, ताकि अभी जितना मोबाइल हम यूज कर रहे हैं इसका ई वेस्ट को कल को कहां जाएगा. जो प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना है. तो जो रीयूज और रीसाइकिल है, सर्कुलर इकोनॉमी, फ्यूचर में एनवायरमेंट के लिए, एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन के लिए और उसके लड़ाई लड़ने के लिए एक बड़ा इकोनॉमी का भी माध्यम होने वाला है, जिसको लेकर भी हम काम कर रहे हैं. थैंक यू सर.